ब्लेड प्रूफ जैकेट हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को समझने का वीडियो का एंड जो देखें। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी को देखें, जिससे कि आपको एक अच्छी जानकारी मिले। सबसे पहले बुलेट इस सिरेमिक लेयर की सिरेमिक डिस्क से टकराएगी, जिससे बुलेट की स्पीड कम हो जाएगी, प्लस बुलेट का ये स्ट्रीमलाइन शेप कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म होने के बाद बुलेट इस एरेमिड फाइबर लेयर से टकराएगी। ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत एक टाइटली वीव्ड फाइबर है। बुलेट के कॉन्टेक्ट में आने से ये इस तरीके से पीछे की ओर स्ट्रेच हो जाएगा और इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसको चीरते हुए बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। वर्टेक्स लेयर और कुछ नहीं, बस इस एरेमिड फाइबर लेयर का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि और ज्यादा टाइटली वीव्ड रहता है। आगे बढ़ते हुए ये हाई टेम्परेचर बुलेट जब इस टाइट केमिकल बॉन्ड्स वाली पॉलीएथिलीन लेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो इस पॉलीएथिलीन का कॉन्टेक्टेड पार्ट पिघल जाएगा और इस बुलेट को ऐसे जकड़ लेगा। 3D एनिमेशन की मदद से टॉपिक्स को समझना कितना आसान है ना, तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाओ।